जमीन नहीं है, आपको किसने अधिकार दिया, जमीन आपकी कैसे हो गई है? तो वो ऐसा क्यों बोले, इसके पीछे तो कोई रीजन होगा, कारण होगा? कोई कारण नहीं है, बस हम तो हाँ साफ देखने से तो हम यही कह देंगे कुछ मिल गया होगा उनको, जिससे जाके उन्होंने कह दिया हमारी जमीन नहीं है। तो देखिए, जो होना था वो तो हो गया जी, एक्शन हो गया ग्राउंड पे, चीजें आपके सामने और आप देख पा रहे हैं। अब क्या कहेंगे, अब क्या करेंगे? अब यही कहेंगे कानून को तो हाथ में लेना नहीं है, क्योंकि जी पटिशन दायर करेंगे, 27 का डेट मिला है, जो भी फैसला आएगा हम देखेंगे, जो कोर्ट का फैसला, वो मानेंगे। ये तो बन के रहेगा अब, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये इनको रोक देना चाहिए। कौन रोकेंगे? आज हमने देखा यहाँ पे कि जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ों को समझते हैं या सच परस्त हैं, सच को सामने लाना चाह रहे हैं, वो लोग तो अपने अपने घर में हैं। मतलब इस बात से साफ क्लियर हो जा रहा है कि मतलब चीज़ें सही है, नहीं, मतलब नहीं, वो 100% सही है, इसीलिए लोग एहतराम करते हैं। तो देखिए कानून का लोग एहतराम करते हैं, और कुछ बात तो ये भी है कि पुलिस को इतना भर दिया है, मिलिट्री को इतना भर दिया है कि लोग जो है लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लोग, आने नहीं चाहेगी पुलिस हमको उठा के लेके चली जाएगी, लोग इस चक्कर में नहीं आ रहे हैं लोग। ठीक है, एटलीस्ट तो घर से हो, मैसेज के माध्यम से हो, या जो भी एक सही उचित रास्ता है उस रास्ता को इख्तियार करे और उस रास्ते से चले और फिर विरोध करे। तो किया हमने विरोध किया, हमने एप्लीकेशन दायर किया है, 27 की डेट मिली है, हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हम कानूनी तरीके से ही लड़ेंगे। थैंक यू। तो आप देखे यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से नाराज हैं और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, और किस कदर वो वक्फ बोर्ड से खफा हैं और यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो उम्मीद रख रहे हैं और ये अपना जो पटिशन है वो हाई कोर्ट से कोर्ट में ले जाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या बनना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इसमें? रानी झांसी की हम तो बहुत समर्थन भी करते हैं, उनके साथ भी हैं, लेकिन क्या जरूरत है कि वो इतना में लगाया जाए उस चीज़ को? आप कहीं जमीन वहीं पे हो तो वहीं पे बनी, नहीं नहीं जमीन बहुत सारी है, दिल्ली में बहुत सारी जगह खाली है, उनको जरूरी है कि जो जहाँ पे इस्लामिक जगह हो, जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है वहीं पे लाके मूर्ति को लगाया जाए, उनको नहीं मिली होगी वहीं जगह, बहुत जगह है दिल्ली के अंदर, कोई जगह कमी है? आप सामने जगह दिया जाता है चार रास्ते पर, वहाँ लगा दो आप, यहाँ पे भी अगर लगता तो यहाँ पे भी लोग विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं था, रोड पे लगाया, मैं जाके लगाऊंगा, लेकिन क्या वहाँ पर आप हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, इस ईदगाह के अंदर में कई साल बरसों से स्कूल चल रहा है अंदर में, उसको आप बाहर बना दो, बहुत मोहब्बत है हमसे, तो क्या जरूरी है कि मूर्ति लाके लगाया जाए वहाँ पे, इसकी जरूरत नहीं है मूर्ति की वहाँ पे, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, दूसरे तबका को एक दूसरे समाज को तो जरूरत है ना, तो उसकी उसकी जगह पर लगाइए आप, नहीं तो एक वक्फ बोर्ड की जगह है या इस्लाम मुसलमानों की जगह है, वक्फ की जगह है, तो क्या जरूरत है वहाँ लगाने की? ये देश तो आस्था से भी चलता है ना, लोगों के आस्था है ना, तो बहुत बड़ी जगह अपनी अपनी जगह है लोगों का, तो क्या जरूरत है? ये स्कूल हॉस्पिटल एक ऐसी है कि सारे लोग इस पे भरोसा करते हैं, सारे लोग की जरूरत है, सारे लोग उससे फायदा उठाएंगे, तो ऐसी चीज कॉमन चीज बना दीजिए जिससे किसी को इतराज़ नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं हो। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि आप उनको हमारे फेवर में दे दीजिए, आप उसमें स्कूल बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, उसका सही ढंग से यूटिलाइज हो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये हमें ये मूर्ति जो है रानी झांसी की मूर्ति, ना हमें एजुकेशन देगी, ना हमें हेल्थ देगी, ना हमें मतलब, तो मूर्ति तो खड़ी रहेगी ना, लेकिन यहाँ आस्था की बात है, यहाँ हमारा एक भावना जुड़ा है, बहुत सारी बेनिफिट नहीं देखेंगे, एजुकेशन नहीं देखेंगे, तो आस्था है अगर, तो आप आस्था को कहीं और इस्तेमाल कर लिए, क्या जरूरत है कि ईदगाह के अंदर लगाया जाए, किसी के धर्म के अंदर लगाया जाए? कोर्ट ने दिया है तो जाहिर है उनकी जगह होगी, मिली जुली भगत है ये, कोर्ट तो हमेशा निष्पक्ष होता है, वो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो आदमी उसके अंदर जो पटिशन जो दायर किया है कि हमारी जगह जो है वो 31 एकड़ जमीन है ईदगाह की, ये गलत है, इसकी जगह जो 91 एकड़ जमीन है ईदगाह के पास, वो जगह को चाटते छाटते आदमी एक तरीके से आदमी फैला हुआ, उसको सुखड़ाया जा रहा है, मतलब उसको छोटा किया जा रहा है। अब ईदगाह की जगह इतनी सारी थी, ये सामने भी जगह है, वो सब ईदगाह की जगह थी, ये सब वक्फ की जगह थी, लेकिन धीरे 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 करके लिए जा रहे हैं, कोई DDA ले रही है, कभी वो ले रही है, कभी कॉरपोरेशन ले रही है, कभी गवर्नमेंट ले रही है, मतलब जगह को बड़ी जगह को छोटी किया जा रहा है, मतलब लोगों को यहाँ पर लोग फ़ायदा उठाते हैं, ये मुस्लिम मोहल्ला है तो यहाँ पर लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग भी अपना यहाँ पर नमाज़ वगैरह होती है, ईदगाह है, ईद की नमाज़ होती है, अब उसको जगह को छोटी करने से काम चलेगा नहीं ना, हम लोग को जगह छोटी पड़ती है। तो ये ईदगाह जो है इनका पेपर वगैरह तो होगा मुसलमानों के पास या अल्पसंख्यक समाज के पास? बिल्कुल सब कुछ है, सब कुछ है, बिल्कुल तो दिखाएं कोर्ट को, फिर बिल्कुल दिखाया जाएगा और दिखाया भी है, लेकिन कोर्ट अभी आगे जो पिटीशन दायर किया गया है 27 तारीख का डेट गया, उसमें बातचीत होगी हमारी अभी। तो आप लोग रीओपन करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो हमारे साथ एक युवा हैं, आप इस देश के युवा हैं और बुद्धिजीवी युवा हैं और चीज़ों को आप बहुत गंभीरता से गहराई से समझते हैं। अभी जो वोट का ये फैसला आया है कि ये जमीन DDA की है
और ये वहाँ पे झांसी की रानी का मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। आप इससे कितना सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो आप इससे विरोध क्यों कर रहे हैं आप इनका? सबसे पहली बात कि हम विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा एक वैलिड पॉइंट ये भी और वैलिड क्वेश्चन ये भी है सरकार से कि बाकी उन जगहों पे भी तो क्यों नहीं लगाई जाती रानी झांसी की, अब्दुल कलाम आज़ाद की, अबीर अब्दुल हमीद की फ़ोटोज़ की वहाँ पे स्मारक क्यों नहीं लगाए जाते जहाँ पे मंदिर से, जहाँ पे उनकी धार्मिक स्थल से बने हुए हैं, हमारी ही जगह उन्हें क्यों दिखती है? हमने मना नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, आप आएँ लगाएँ ठीक है, डीडीए की जगह लगाएँ, डीडीए को पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसी ही जगह क्यों उनको नज़र आती है जहाँ सिर्फ माइनॉरिटीज की जगह होती है? हमारी मस्जिदें दिखती हैं, हमारे मज़ार दिखते हैं उनको, हमारे धार्मिक स्थल दिखती हैं, हमारे वक्फ की चीज़ें उनको नज़र आती है, बाकी चीज़ें उनको नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान में क्या सारी मस्जिदें, सारी धार्मिक मुस्लिमों की जो स्थल हैं वो सिर्फ वक्फ बोर्ड पे ही बने हुए हैं, इलीगल ही बने हुए हैं? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमान बाद में आए, मुगल बाद में आए। जो ये कह रहे हैं वो उनके पुरखे जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त गुलामी कर रहे थे, अंग्रेज़ों की मुखबरी कर रहे थे। ये सावरकर की नाजायज़ औलाद जो हैं, जिन्होंने अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे आज़ादी के बाद, आपको अपने अल्फाज पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल कोई गौर करने की बात नहीं, जो लिखा है वो बता रहे हैं कि नागपुर के हेडक्वार्टर पे इन्होंने 25 साल तक भारत का तिरंगा नहीं लहराया, वो हमें देशभक्ति से तो लहरा दिया, हम तो भाई चुआई से, हम तो भाई चुआई से, वो भाग के आए वहाँ से, हम भाई चुआई से हैं, हमारी नस्लें यहाँ पे थी हैं और रहेंगे। ये जो सोचते हैं कि ऐसा करने से हम हट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, नामुमकिन है। ठीक है, कानून का अधिकार है, उनका कानून अधिकार है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें वही तमाम तर चीज़ें क्यों नज़र आती हैं जो माइनॉरिटीज़ की होती हैं? अब मसला ही वहाँ पे है, चूँकि इसी तरह का मामला है हिंदुस्तान के अंदर, आखिर उनका भी देश है और आपका भी देश है, सभी लोगों का है। तो ऐसा सभी लोगों का, तो सारा फैसला उनके ही पक्ष में क्यों जा रहा है? आप जितने भी हिंदुस्तान में वर्डिक्ट आए हैं, जितने भी धार्मिक स्थल पे ऑब्जेक्शन थे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के, सारे फैसले उनके फेवर में क्यों जा रहे हैं? कुछ हमारे फेवर में भी तो आ जाए, यहाँ दे दें हमें। कह रहे हैं कि सब कुछ तो मुसलमानों का ही, सब कुछ मुसलमानों का कहाँ है? सब कुछ होने के बाद भी तो नहीं है ना, हम इस देश में तो ऐसे बना दिए गए हैं जैसे हम किराए पे आके रह रहे हैं यहाँ पे, हमारा तो कुछ है नहीं, हम माइग्रेंट हैं यहाँ पे, ऐसा हम बना दिए गए हैं। कानून हमें अधिकार देता है, लेकिन जो रूलिंग पार्टीज़ हैं या जिस तरह की जो एटमॉस्फेयर इन्होंने क्रिएट कर दिया 2014 के बाद, वो ऐसा ही लग रहा है कि हम यहाँ पे एज अ रेंट होल्डर रह रहे हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वेलकम करते हैं जो भी होगा, कानून के दायरे में होगा, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम कहीं ना कहीं हमें मतलब थोड़ा हार्ड फील हुआ है, क्योंकि तमामतर जो वर्डिक्ट आ रही है कोर्ट्स की वो हमारे खिलाफ ही आ रही हैं, कहीं हमारे समर्थन में नहीं आ रही हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ से लोग बहुत उम्मीद रखते, क्या आप भी कुछ उम्मीद रखते? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह के मुतालिक ये बातें पता थी, हमें भी पता थी कि वो बहुत सही आदमी है, और कुछ उन्होंने वो प्रूफ भी किया, बट आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, हमारा टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और अभी आपने रिसेंट देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी सीजीआई के घर पे विदाउट एनी इनविटेशन चले जाते हैं, तो उनका पर्सनल मामला है, ये पर्सनल मामला नहीं है। इस आज से पहले आज़ाद भारत में आज से पहले कभी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस के घर पे प्रधानमंत्री डायरेक्टली चले जाए विदाउट एनी इनविटेशन। वो तो पूजा का टाइम था ना, पूजा का टाइम हम सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा में और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री किसी गली मिलना क्या है? प्रधानमंत्री किसी दलित के घर चले जाएँ पूजा पे, प्रधानमंत्री किसी दूसरे के यहाँ चले जाए, चीफ जस्टिस ही क्यों? हर्ज क्या है मिलने में? हम भी आपसे मिलते हैं, आप भी किसी से? देखें, देश कानून से चलता है और एक मर्यादा होती है, प्रधानमंत्री की एक गरिमा है, संवैधानिक पद है, हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश कानून जो कहता है उसके हद में रह करके काम करना चाहिए। उन्हें ये अधिकार है, इसका ये मतलब नहीं कि आज से पहले हिंदुस्तान आज़ाद हुए तकरीबन 78 साल होने को, 78 साल में आज तक कोई प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर पर नहीं गया, ये पहला मौका है आज़ाद हिंदुस्तान में। लेकिन चीफ जस्टिस साहब भी ऑनरेबल हैं, माननीय हैं, दोनों ऑनरेबल हैं जी, दोनों हैं, तो अब ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो जाहिर इसके पीछे कोई बात रही होगी, कोई वजह रहा होगा। डेफिनेटली उन्होंने इसको नाम दिया है कि वो एक धार्मिक प्रोग्राम के तहत मिले हैं, उनकी पूजा। गणपति तो पूरे धूमधाम से मुंबई में मनाया, हम उनके फेस्टिवल का एहतराम करते हैं, हम सब एहतराम, हमें उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन हमें ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि प्रधानमंत्री को अपनी पद की गरिमा का एहसास होना चाहिए ताकि चीफ जस्टिस को बधाई देने के लिए नहीं, बधाई देने के लिए आप मैसेज से भी दे सकते हैं, ट्विटर के जरिए होगा कि चलिए थोड़ा सा मिलकर बात करें, और भी बहुत सारे जरा हैं जिससे प्रधानमंत्री बधाई दे सकते हैं देशवासियों को। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आइए हमारे साथ एक और शख्सियत, इस वक्त उनकी हाज़िरी यहाँ पर हुई है, और क्या कुछ कहेंगे इस पूरे वक्फ वोट के मामले पर, क्यों आखिर आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये तो आगाज़ है, यहाँ से ईदगाह से ही आगाज़ हुआ है वक्फ वोट के, जो इस वक्त सरकार करना चाह रही है उसको देखते रहिए। लेकिन वक्फ वोट का ये फैसला है, उसने असहमति दी है कि आपकी ज़मीन नहीं, तो आप दिल्ली में वक्फ वोट पर चेयरमैन कोई है नहीं, ये तो जो यहाँ के इस वक्त बैठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से
उनका ये फैसला है ना। तो आखिर एक वो मेंबर है ना, एक सदस्य होने के नाते ही वो फैसला दिया या फिर वो अपना स्टेटमेंट दिया? नहीं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उनको तो गवर्नमेंट ने बैठाया है ना, उसको ये देखना होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे तो काम स्टार्ट हो चुका है, अब आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ अदालत ही जाना है और उसका जो फैसला होगा उसी पे। तो कोर्ट का फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है, हाईकोर्ट का? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे है रास्ता। आप अपने लोगों से, अपने रहनुमा से कुछ कहेंगे, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे? बस एक, अभी जाग जाएं, अब बहुत वक्त गुजर चुका है, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। थैंक यू। तो हमने अलग अलग बुद्धिजीवी लोगों से बातचीत किया और जाना कि ये जो फैसला है वो कितना हद तक सही है और लोग आखिर इनका क्यों विरोध कर रहे हैं, जबकि ये फैसला खुद माननीय न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने ही दिया था कि ये यहाँ पर रानी की झांसी का मूर्ति का निर्माण किया जाए। तो आखिर एक तबका, अल्पसंख्यक समाज जो है, क्यों इनका विरोध में लगा हुआ?